Hello everyone, I'm your friend, your host Madhul Bhandari, and I welcome you in your favorite YouTube channel, that is Dogs, Your Friends Forever. डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आता हूँ हमेशा एक नया वीडियो लेके, नया टॉपिक लेके, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए आपके साथ में, जो मैंने सीखा है वो चीज़ें शेयर करने के लिए आता हूँ। और ऑफ कोर्स मैं ये उम्मीद लेके आता हूँ, जब वीडियो बनाता हूँ मेरे माइंड में ये उम्मीद होती है कि आप उस वीडियो को देखेंगे और आप उस वीडियो से कुछ सीख लेंगे, आपको कुछ लेसन मिलेगा उससे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, मुझे बहुत दुख होता है कुछ लोग ऐसा नहीं करते। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, आप जेन्युइनली मेरा चैनल, मेरा नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। ये जो चैनल है डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर, बादल भंडारी फैमिली, यू ऑल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, ये आपका अपना चैनल है। आप लोग हमेशा बताते हैं, आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं या कॉल करके बताते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कि भाई जी आप प्लीज़ कुछ नए टॉपिक पे वीडियो बनाइए, कुछ अच्छी चीज़ शेयर कीजिए, नॉलेज शेयर कीजिए, है ना। तो मैं वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट ये आ रहा है कि आप वो वीडियोस को आगे शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने यूट्यूब पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, किसी तक कुछ मैसेज तो पहुंचे। बड़ा दुख होता है इस कंडीशन के डॉग्स देख के, बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे, बिकॉज मैं पेट लवर हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। ये जो बच्चा है मेरे पास में, ये इस समय 35-36 डेज से ज़्यादा नहीं है, राइट। और इस बच्चे को जिसने भी बेचा था, पेट शॉप या वो जो ब्रोकर है उसी टाइप के किसी आदमी ने बेचा था, जो लेफ्ट से लेके राइट में दे देते हैं, और ये जो बच्चा है उसने 28 डेज़ का बोल के बेचा था इनको, 28 डेज़ का बोल के बेचा था। और मेरा ख्याल में तब बच्चा 21-22 दिन से ज़्यादा नहीं था, बिकॉज इसको चलना भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं चलना आता था। कि सर किस डेट को लिया था आपने? 28th को। इन्होंने 28th जुलाई को लिया था, आज 11th अगस्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे देख सकते हैं, बच्चे को इसका साइज़ देख सकते हैं, कितना अंडर फेड है आप देख सकते हैं। इसके मैं क्लिप्स डालूंगा, आप उसको देखिएगा। अब ये मैं नीचे रखा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बच्चे को देखेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कमज़ोर बच्चा है। कोई रिंकल्स नहीं है, कोई फैट नहीं है, ईयर जो है वो फ्लाई किए हुए हैं, बहुत बुरी कंडीशन में, माथे पे कोई रिंकल नहीं है, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ज़ीरो है। जब इन्होंने लिया था ये चलता भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा क्रॉल करना शुरू हुआ था एक दो दिन रुकने के बाद में। इसे सेरेलैक दे रहे हैं, इसे ये जो अपने हिसाब से बेस्ट हो सकता है वो दे रहे हैं। मेरे पास में लेके आए इस बच्चे को कि इसका क्या किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आती, जब मैं आप लोगों के साथ में वीडियोज़ शेयर करता हूँ, तब उस वीडियो को देख के आप ये क्यों नहीं समझते कि आपको इतना छोटा बच्चा नहीं लेना है, आपको ऐसे इन चक्करों में नहीं फंसना है। आप इसको देखिए, मैं इसके टीथ दिखाता हूँ आपको, आप ये देखिए इसके टीथ, बिल्कुल ज़रा ज़रा से टीथ आए, क्लियर आ रहा है? इसमें देखिए आप कितने ज़रा ज़रा से टीथ हैं इसके। ओके, मोरा नहीं बेटे को, मोरा नहीं। ये इतना छोटा बच्चा लेने से हम क्या प्रूव करेंगे खुद को? हम लोग क्या गलती करते हैं? अगेन, जल्दबाजी है, हमें लेना है। मेरे पास जो भाई साहब खड़े हैं वो वीडियो में नहीं आना चाहते, उनकी पर्सनल थिंग है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बट जो उन्होंने मुझे बताया है वो ये कि इस बच्चे को लेने का रीज़न था, इनकी सिस्टर जो है उसने प्लस टू के एग्ज़ाम्स दिए थे और उसके अच्छे नंबर आए थे। उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी सिस्टर को कि मैं तुझे एक सुंदर सा डॉग ले दूंगा, जिसको इन्होंने बोला था, उसने ये 9,500 रुपये का इनको दिया है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट अ लाइफ। आप किसी बच्चे को उसके माँ बाप का, माँ का दूध पीने से, उसकी केयर होने से आप कैसे रोक सकते हैं? हम कैसे रोक सकते हैं? हमारा हक नहीं बनता उस चीज़ के लिए, इस तरह का। डियर फ्रेंड्स, ये जो मेरे दोस्त पप लेके आए हैं, आप अक्सर वीडियो के नीचे कमेंट लिख के पूछते हैं कि इन्होंने किससे ख़रीदा है, आप प्लीज़ उसका नाम लीजिए, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम बाकी लोग उससे लेने से बच जाए। अरे आप किसी से भी खरीद रहे हैं, कोई भी ABC, हज़ारों लोग हैं, किसी का कोई कॉपीराइट थोड़ा, अकेला मेरा राइट नहीं है एक डॉग बेचना, किसी का भी है। लेकिन साई ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है कि अगर कुछ ये इस तरह का हो रहा है तो प्लीज़ मैं थोड़ा सा आपके आगे रिक्वेस्ट करूं। मैं उन दोस्तों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं जो इतना छोटी एज का बच्चा बेच देते हैं 20-22 दिन का। अरे मत करो यार, क्या पाप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? मैं किसी एक का नाम लूंगा, उससे क्या हो जाएगा?
उससे ऐसा तो है नहीं कि मैं एक का नाम लूंगा। मैं भाई यहाँ किसी की दुकानदारी बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट इन अनदर वे। मैं यहाँ रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहा हूँ, थोड़ी सी इंसानियत रखिए ना, कि इंसान है हम लोग, इंसान है, इंसान से ज्यादा गंदा जानवर कोई भी नहीं है। अगर वो अपनी हम अगर अपनी क्रुएल्टी पे आते हैं, दुनिया में कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट काम जो वो इंसान कर रहे हैं, अरे क्या प्रूव करना है? जब पूरी जिंदगी के लिए वो बच्चे की इम्यूनिटी वीक रह जाएगी, बार बार बीमार होगा, ग्रोथ प्रॉपर नहीं आएगी, ऑर्गन्स उसके ग्रो नहीं किए होंगे, डेवलप नहीं हुए होंगे उसके जो ऑर्गन्स हैं, क्या प्रूव कर लेंगे हम? डॉग बेचना हक बनता है। प्लीज आप, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कौन बेच रहा है, किसने बेचा, मैं जानता हूं ये जिसने इसको इनको दिया है भाई साहब, और वो भी मेरा सज्जन है, मेरा अच्छे से नोन है जिसने दिया, पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे ये काम करने नहीं आता हूँ कि मैं किसी का नाम लूंगा। आप लोगों को ये समझाने आता हूँ, इतना छोटा बच्चा मत लो। अरे आप इतना छोटा बच्चा लोगे नहीं तो वो जबरदस्ती आपके घर छोड़ जाएगा क्या? नहीं होगा ना, जबरदस्ती कोई आपको नहीं दे सकता, मुझे कोई चीज जबरदस्ती कैसे दे जाएगा? इस तरह से आपको भी कोई जबरदस्ती डॉग नहीं दे सकता। मैं यहाँ पे आता हूँ किस लिए? आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन हम बार बार वही गलतियां करते जाएंगे, क्या फन बनता है? ऐसे मत करो यार, प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। आप उसको बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए इंजॉय करने के लिए, ना कि आप उसको लेके आए हैं कॉटन से दूध पिला रहे हैं, बॉटल से फीड कर रहे हैं, आप उसको, वो अभी भी खेलने की कंडीशन में नहीं है पूरा, एनर्जी लेवल्स उसके बहुत लो हैं, लूज मोशन उसे लगे हुए हैं। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? इतने छोटे बच्चे का बार बार पेट खराब होगा ही होगा। डियर फ्रेंड्स, जब हम पप लेने जाते हैं या पप खरीदने का प्लान करते हैं, बहुत अमेजिंग सी फीलिंग होती है डॉग को घर पे लेके आना। लिविंग लाइव लाइव स्टॉक है ये, लिविंग बींग है। आप ऐसा नहीं है कोई टीवी ला रहे हैं, मोबाइल ला रहे हैं, शर्ट ला रहे हैं, नहीं पसंद आया वार्डरोब में पड़ा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो डॉग रखेंगे उस वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। आप बेशक स्ट्रे डॉग ले आइए, अगर आपने इतना सेवा ही करनी है डॉग की, तो आप 20-22 दिन का स्ट्रे डॉग ले आइए ना। अगर कोई उसकी मदर की डेथ हो गई है, उसको खाना नहीं मिल रहा, आपको पुण्य का काम भी लगेगा, पैसे खर्च के हम ऐसी चीज ले आते हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एज देखनी सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप बेबी लेके आते हैं, बच्चे की एज देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फिटनेस लेवल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्टिविटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने मेरे पास में डॉग बुक किया होता है वो बार बार फोन करते हैं, ऑफकोर्स करते हैं भाई, एक्साइटमेंट है, क्यों नहीं करेंगे? डियर फ्रेंड्स, जो लोग मेरे पास में डॉग बुक करते हैं उन्हें पता है कि अगर बादल से डॉग चाहिए तो जो बुकिंग पीरियड वो देगा उतना हमें बियर करना ही पड़ेगा, टाइम वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन जब पप दूंगा तो वो इट विल बी अ काइंड ऑफ डायमंड अल्टीमेट बेबी। 2 महीने का बुकिंग हो, चाहे 3 महीने का बुकिंग हो, चाहे 4 महीने का बुकिंग हो, मेरे पास में जब बच्चा होगा मैं तभी दूंगा भाई, मेरे से नहीं किया जाएगा। यहाँ से उठा लो, यहाँ बेच दो, यहाँ से क्या ज़रूरत पड़ी है, आप क्वालिटी कहीं से भी उठा के बेच दो। एज का तो ख्याल रखो, आप एज का ख्याल रखो, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड का ख्याल रखो। ऑफकोर्स मैं नहीं कह रहा हूँ आप 9,500 रुपये में किसी को शो क्वालिटी डॉग दे देंगे, लेकिन आपको ये खरीदने वाले को भी चाहिए। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं सर आपके रेट बहुत ज़्यादा है, भाई क्वालिटी भी तो बहुत ज़्यादा है। कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी में डील करना है, ऐसा काम नहीं करना। आप 9,500 रुपया, अब हम उतने पैसे खर्चना चाहते हैं, मेरी बात को समझिए, यहाँ पे मैं सिर्फ उसको डीलर को गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, हम भी तो उतने ही पैसे खर्चना चाहते हैं। उसी डीलर ने एक पोमेरियन भी दिया है मेरे जो डियर पर्सन मेरे पास में खड़े हैं, इनको इनके फ्रेंड को लेके दिया, इन्होंने 4,500 में पोमेरियन दिया है। वो पोमेरियन के नाम पे क्या होगा आप समझ सकते हैं? 4,500 में आएगा भी क्या? आप ये भी देखिए, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो मेरा ख्याल में एक फैमिली डिनर पे 4,500 रुपये एक्सपेंस आ जाते हैं। अगर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मतलब ये चीज़ सोच के लीजिए। आप लाइव स्टॉक ले रहे हैं, आप अपना बजट बढ़ा लीजिए, मतलब हमें पुअर क्वालिटी नहीं खरीदनी, डिसाइड कीजिए हमें पुअर क्वालिटी नहीं खरीदनी। आज हमारा बजट नहीं, आज हम 10,000 खर्च सकते हैं, हम 2 महीने रुकेंगे, हर महीने 2,000 रुपया जोड़ो, हम 14,000-15,000 रुपये खर्च जोड़ लेंगे। 14-15 हज़ार में ले लो यार, कुछ अच्छा ले लो, 20,000 में ले लो। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर मनी, मैं आपसे कभी भी पैसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन भाई ऐसा तो ना करो। वो गलत बेचते हैं, हम गलत खरीदते हैं, और हम गलत खरीदना चाहते हैं, ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ऐसा ना होने दें। अपनी लाइफ को, उस बच्चे की बेजुबान की लाइफ को हेल मत बनाएं।
आई होप ये जो मैं समझाता हूँ आपके सामने आज फिर लेके आया हूँ, मुझे ना बड़ा दुख होता है जब वो बच्चे अच्छे नहीं ना निकलते हैं, ग्रो नहीं अच्छे करते हैं, फीचर्स नहीं डेवलप होते हैं, तो बहुत बारी होता है हम ना उस ब्रीडर को कल्पित ठहराना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई गलती हमने भी की है इतना छोटा बच्चा लेने की, फिर वो एक तो छोटा है ऊपर से वो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है भगवान भरोसे है, ऐसा नहीं करो यार। पता नहीं यार किसको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, किसको गलत लगा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो मैंने बोला है ये मेरे दिल की आवाज़ थी भाई, मैंने क्लियरली बोला है, मुझे दुख होता आप मत ऐसा करना, हाथ जोड़ दिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इस चीज़ को समझिए, जब बेबी लेना है सब चीज़ देख के तसल्ली करके लीजिए। साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, हमारे पेट्स पे, हमें अकल देंगे, हमें अच्छा कर्म करने के लिए हमें गाइड करेंगे, लेकिन वो जो साईं हमें इशारा दें उसको समझें तो सही। मैं हूँ ना यार, साईं ने मेरे को भेजा आपके लिए ना कि आपके आपको मैं गाइड कर सकूँ, मैं तो गाइड कर सकता हूँ, एक ज़रिया हूँ, आप उसे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे दैट इज़ अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।